हाय दोस्तों, नमस्कार, आप सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, फिर से आज आप लोग भी अच्छे और नए वीडियो से आ चुके हैं। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं UPS का इन और आउट का सॉकेट इंस्टॉल कैसे करेंगे, और इसके बारे में पूरा आप लोगों को बताने वाले हैं कि UPS और लाइट के बारे में किस प्रकार से हम रेडी करते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारा दो वायर है, एक हमारा UPS का है इन है, एक हमारा आउट है। तो वीडियो शुरू करने से इलेक्ट्रिकल नॉलेज सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा ना भूलें, ताकि कुछ इस प्रकार से नया वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको हम प्लेट को अनबॉक्सिंग करते हैं। कहीं पे हम लोग 6 मॉडल का प्लेट लगाते हैं, तो कहीं पे 4 मॉडल लगाते हैं, कहीं पे 3 मॉडल लगाते हैं। तो हम यहाँ पे 4 मॉडल लगाए हैं। इसमें क्या है कि हमारा स्विच नहीं रहेगा, सिर्फ 2 सॉकेट डालेंगे इसमें हम, हमारा ये रेडी हो जाएगा। तो चलिए पहले हम एक एक स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को बताना चाहेंगे। ये हमारा 4MD प्लेट है, यानी 4 मॉडल का प्लेट हो गया, जिसका हम ओपन कर लिए हैं। और इसमें हमारा 2 सॉकेट आएगा, जो कि हमारा सॉकेट हमारा 16 एम्पियर का रहेगा, 6 एम्पियर का नहीं रहेगा। ये देखिए 16 एम्पियर हमारा सॉकेट हो गया, और दोनों को पहले इसमें हम डाल लेंगे। एक हमारा रेडी हो गया सॉकेट, और नेक्स्ट दूसरा वाला भी उसको हम रेडी कर ले रहे हैं। और यहाँ हमारा DB से वायर हमारा आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं बोर्ड में। ये हमारा इन और ये हमारा आउट हो गया। तो पहले हम आउट वाला वायर को एक सिलू निकाल करके हम रेडी कर ले रहे हैं। ये हमारा रेड वाला वायर जो है कि हमारा फेस है, तो इस वायर को हम सिलू निकाल दे रहे हैं। फेस से दूसरा सेकेंड वाला भी है, ब्लैक उसको भी निकाल रहे हैं और ग्रीन को भी निकाल रहे हैं। तीनों को निकालने के बाद हम बताएँ कहाँ किस टर्मिनल को फिल करना है। तो ये देखिए हमारा सॉकेट हो गया, इसके बैक साइड आइए। ये यहाँ पे हमारा 3 टर्मिनल है, 1, 2, 3। इसमें हमारा ये हमारा रेड वाला टर्मिनल है, जो कि लाइट वाला टर्मिनल, तो उसमें हम लाइट वाला टर्मिनल में रेड वाला को हम डाल देंगे, और एन वाला टर्मिनल को हम ब्लैक वाला को डाल देंगे, और ग्रीन वाला जो टर्मिनल है ऊपर टर्मिनल, उसमें हम ग्रीन वाला वायर को डाल देंगे। तो वही हम आप लोग बताना चाहेंगे, हमारा रेड वाला जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल, उसमें हम अच्छे से इसको हम फिल कर दे रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा रेड वाला वायर टर्मिनल में फिल हो चुका है, येलो वाला टर्मिनल में, और येलो वाला जो टर्मिनल है उसमें हम ब्लैक वाला वायर को फिल कर दे रहे हैं। ये हमारा रेडी हो गया, यानी फेस हमारा न्यूट्रल दोनों रेडी हो गया। अभी हमारा बस ग्रीन बाकी है आउटपुट का, वो भी हम फिल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये ग्रीन वायर है। तो ये हमारा ग्रीन वाला वायर जो है, इसको भी ठीक इस प्रकार से हम फिल कर दे रहे हैं। जो ऊपर अर्थ का जो टर्मिनल है, ऊपर का जो रहता है, उसमें हम अर्थ वाला टर्मिनल बोलते हैं, तो उसमें अच्छे से हम ग्रीन वाला वायर को हम फिल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा वो भी हमारा रेडी हो गया, फेस न्यूट्रल अर्थ तीनों रेडी हो गया, एक हमारा सॉकेट रेडी हो गया। अभी हमारा एक और सॉकेट रेडी करने का है, ठीक इसी प्रकार से वो भी हम रेडी कर ले रहे हैं। आइए हम लोगों को बता रहे हैं। देखिए अभी हमारा फेस है, न्यूट्रल है, अर्थ है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ये रेड वाला वायर को इसमें हम फिल कर देंगे, और ठीक इसी प्रकार से हमारा ब्लैक और ग्रीन है, तो इसी तरह से हम ग्रीन वाला वायर के ऊपर जो टर्मिनल है उसमें हम अच्छे से फिल कर दे रहे हैं। ये हमारा अर्थ का टर्मिनल हो गया। देखिए तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से हम फिल कर दे रहे हैं। ये हमारा ग्रीन वाला वायर हो गया, ठीक इसी प्रकार से हमारा ब्लैक वाला जो वायर है, इसी प्रकार से हम फिल कर देंगे एन वाला टर्मिनल में, ये भी हमारा रेडी हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से हमारा UPS का कनेक्टर होता है, या आप 6MD डालेंगे तो उसमें 2 हमको स्विच डालना पड़ेगा, और नहीं तो 4MD डालेंगे तो हम सॉकेट डालना पड़ेगा। 3MD रहेगा तो उसमें हम स्विच सॉकेट डालेंगे, और एक वायर जो आउटपुट का वो निंगड़ा रखेंगे। तभी आप देख सकते हैं कि हमारा ठीक इसी प्रकार हमारा कनेक्शन भी हो चुका है। तभी यहाँ पे हम एक एक सिलू को टेप मार दे रहे हैं। खैर आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये पूरा आसानी से हम बताए हैं। स्विच नहीं है कि आप लोगों को दिक्कत होने वाली है, सिर्फ सॉकेट है, जिसमें मुश्किल की कोई बात नहीं है। अभी इसको हम यहाँ पर अच्छे से टाइट कर दे रहे हैं। टाइट करने के बाद हम बताएँगे कौन इन और कौन आउट है, इसमें हम लिखेंगे, हम मेंशन करेंगे। आप लोग देखिएगा किस प्रकार से हम रेडी कर रहे हैं। चलिए फिर फटाफट मैं इसको टाइट कर लेता हूँ।
ये हमारा दो सॉकेट है बस, इसको हमको एक पिन बस इसमें चार्जिंग पॉइंट जो UPS चार्ज करेंगे वो बस वो डालना है, और जो UPS से जो हमारा आउट होगा सप्लाई वो उसमें बस डालना है। हमारा कनेक्शन रेडी है, इसमें हमको स्विच ऑन और ऑफ नहीं करना है, बस UPS का स्विच और ऑन और ऑफ करना है। और जो मेन हमारा जो आ रहा है DB से, वो सर्किट हमारा MCB पे है, इसमें हम चाहिए तो हम एक स्विच डाल सकते थे, लेकिन उसके लिए हमारा एक और बड़ा बोर्ड करना पड़ेगा, 6MD या 6 मॉडल करना पड़ेगा, इससे अच्छा हमारा यही है। चलिए हम यहाँ पे फिल कर दिए हैं, इसका ढक्कन लगा दे रहे हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए अभी यहाँ पे हम बता रहे हैं कौन इन और कौन आउट है। ये हमारा वायर जो सॉकेट है हमारा इन है, और ये हमारा सॉकेट आउट है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।